सबसे पहले सभी चैनल देखने वाले या जो भी YouTube चैनल जहां भी ये सब चल रहा होगा देख रहे होंगे, सबको ढेर सारी शुभकामना। और मेरी तरफ से यानी राजकुमार और पांडे की तरफ से बहुत सारा नमस्कार प्यार हमारे दर्शकों को। और चूँकि आज दामोदर जी का जन्मदिन है, तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और अच्छा लग रहा है। मेरी शुभकामना है कि ऐसे ही खुशियाँ बटोरते रहें, लोगों को बुलाते रहें, लोगों को खुश रखें, खुद खुश रहें और माहौल को ऐसे ही अच्छा बनाए रहें। एक बहुत अच्छा शेर है, जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, मौसम इंसान के अंदर होता है। तो तभी आदमी जब खुद खुश रहता है तो उसको हर चीज़ खुश लगती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। तो मेरी विश है कि बस ऐसे ही बना रहे, मस्त रहें, व्यस्त रहें। हम खुद आगे इतना बड़ा गिफ्ट है अब इससे बढ़िया गिफ्ट क्या होगा। अभी तो मेरी फिल्म जो रिलीज़ हुई है, जो चल रही है, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से, और लोगों में बहुत प्रचलित है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं चारों तरफ, मतलब हर जगह, जैसे मराठी में कैसे हैं अपना, ये हमारे दामोदर जी आ गए, खुशी का पारा उबारा ही नहीं रहा अब, क्योंकि हम नहीं आए, सर जी आ गए और इनका ऐसा प्यार है कि हमारे हर बर्थडे में आ जाते हैं। मतलब कि मैं ये ज़िंदगी भर के लिए आभारी रहूँगा, इतना प्यार दुलार है इनका। और ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं आए, ये बड़ी कृपा है इनकी, मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यूँ ही आशीर्वाद इनका बना रहे कि ऐसे दिलेर हैं कि मतलब कि सारी इंडस्ट्री जानती है इनके बारे में, और किसी भी महफिल में किसी भी स्टेज पे एक फ़ोन पे आते हैं, इतना प्यार इनका है लोगों पर कि जिसका जवाब नहीं। देखिए, जहाँ भोजपुरी से जुड़े लोग हैं, भोजपुरिया परिवार है, समाज है, वहाँ अगर कहीं से भी निमंत्रण आता है तो जाना भी चाहिए और मैं जाता भी हूँ, अच्छा लगता है। और दामोदर जी तो बहुत म्यूज़िकल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। बात ही फिल्म की तो जैसे गुजराती में छलो दिवस, मराठी में सराट, वैसे दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। और लोगों ने चूँकि नए जनरेशन को बहुत बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट कर लिया है हर इंडस्ट्री के अंदर, उसका सबसे बड़ा देखने के लिए जो मिल रहा है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान में, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब जो लोग देख रहे हैं फिल्म को देखें, वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक नए बदलाव के लिए मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, दर्शकों का, अपने मीडिया कर्मी का, अपनी इंडस्ट्री का, अपने लोगों का, अपने क्रिएटिव टीम का, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का, क्योंकि सबके एफर्ट्स के बगैर कुछ नहीं हो सकता, जब तक सब चाहेंगे तभी कुछ हो सकता। सर, जाते जाते आपसे एक सवाल है, म्यूजिक डायरेक्टर सामने और आप भी गा लेते गाना, तो एक गाना जो उनके लिए डेडिकेट करना चाहेंगे। ये सडनली जो फिल्म में गाया है वहीं गा सकते हैं जो अपने फिल्म में। हाँ, वो तो अभी इसमें गाया थोड़ा सैड सैड सा, लेकिन मैं इसके पहले वाले में जो हैप्पी वाला था वो अलग आता हूँ, नगीना में गाना मैंने गाया था, वो गाना है कि क्या गाना था वो, सावन की नशीली, सावन की नशीली, वो गाना है नगीना का, कभी मिलने तो आओ, कभी मिलने तो आओ, सावन की नशीली रातों में तुम बन के घटा छाओ, सावन की नशीली रातों में कभी मिलने ओ, कभी मिलने तो आओ, सावन की नशीली रातों में। अब एक लाइन जो इनके लिए है, इसी बात तू दिल आहे भरता है, ये तुझ पे मरता है, तेरी एक झलक पाने को सौ जतन ये करता है, आँखों से पिला जाओ, सावन की नशीली रातों में कभी मिलने दो आओ, सावन की नशीली रातों में। ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर आप सबको।
हैप्पी बर्थडे शुभकामना पूर्ण को बहुत सारा बधाई देता हूँ और मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि दामोदर जी युगों युगों तक जिए रहे और भगवान उनकी सारी मनोकामना पूरा करें। और मैं यही बोलूँगा कि दामोदर जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। तो भोजपुरी में कहल बस कि दामोदर भाई जहाँ रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो, हर हर महादेव आबाद रहो।